बात सही है। वे छोड़ो यार इसको, क्या है, क्यों पकड़ रहे हो उसे? हाँ नहीं पकड़ो आप, क्यों पकड़ते हो आप? हाँ आप नहीं पकड़ना। हाँ सही है अख्तर भाई, कटिंग हो रही है। हसैन का बाबा आज कटिंग कर रहा है, फ्रूट काट रहा है। शरबत बना दिया आपने, एप्पल काट लिया, खरबूजा काट लिया, पर अभी तरबूज काटना बाकी है। चलो काटो काटो। क्या आपको दिखाऊं? अच्छा दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। ये वाला बच्चा बकरी के साथ है, ये देखो, ये हुसैन लोगों की बकरी है ना। हाँ ले ली देता। ये बच्ची नहीं है, बछड़ा है, बच्चा है ये वाला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नहीं हुए तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। लाइक करें, शेयर करें। तो चलें फिर आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी जी आज आपके भाई के पास आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, वो भी शेयर करते हैं। अपने फार्म पे न्यू एंट्री हुई है तो अख्तर भाई लेकर आए हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। बाकी ये आज लेकर आया हूँ कैप, नमाज़ पढ़ता हूँ ना, जुम्मा नमाज़ पढ़ने के लिए भी जाना होता है, घर में भी नमाज़ पढ़नी है आपको पता है, रोज़े वगैरह रखने होते हैं तो सही है, घर पे बंदा कुछ रख लेता है। और अभी आया हुआ था मैं अपने बाग में, रोज़ा भी लगा हुआ है, आज गर्मी थी तो मैंने कहा थोड़ा टाइम पास भी करते हैं। ये देखें पूरा हरियाली वाला माहौल है। और ये वाले यहाँ भी ग्रे फ्रूट लग रहे हैं, देखें आप, आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखें, ये देखें, पैंप ले आओ, पैंप ले आओ, इधर पैंप ले आओ, ले आओ पैंप, इधर डालो, पानी पिलाओ इनको, गर्मी है। तले तले कर, बस करो अभी बाल्टी में डाल दो उधर। अभी जी इनको फीड डाल दी है हमने, फीड खा रहे हैं दोनों, ठाकुर भी फीड खा रहा है इस वक्त। अमजद भाई भूसा लेने जा रहे हैं इस वक्त। तो ये सरप्राइज़ है जी, हमारे पास अख्तर भाई बकरी लेकर आए हैं पूरे 30,000 रुपये की, इसके साथ बच्चा भी है। ये तकरीबन 30,000 रुपये की लेकर आए हैं, इसके साथ इसका एक बच्चा भी है, बकरी ये वाली, ये बच्चा है बकरी का, ये वाला बच्चा बकरी के साथ है, ये देखो, ये हुसैन लोगों की बकरी है ना। हाँ ले ली देता। ये बच्ची नहीं है, बछड़ा है, बच्चा है ये वाला। ले आओ यार, ले आओ, ले आओ एहसान भाई, ले आओ, घास डाल दो बकरियों को यार, घास डाल दो भाई। तो दोस्तों आप बताइएगा कैसी लग रही है ये वाली कैप मेरे ऊपर। हाँ एहसान, कैप कैसी लग रही है? माशाल्लाह बड़ी प्यारी, सही है, खूबसूरत लग रही है। घास डाल दो जाके, जल्दी जल्दी घास डालो। हाँ मोहम्मद घास खा रहा है मेलो। हाँ मेरी है, मेरी है, मेरी पिट्टू है, मेरी पिट्टू है। डालो डालो और डालो, इनको डालो थोड़ा सा, थोड़ा सा ले आना इधर। हाँ बस सही है,
वे छोड़ो यार इसको, क्या है, क्यों पकड़ रहे हो उसे? हाँ नहीं पकड़ो आप, क्यों पकड़ते हो आप? हाँ आप नहीं पकड़ना, हाँ सही है सर, नहीं पकड़ना अब, नहीं पकड़ना, पकड़ा तो फिर आपकी खैर नहीं है। आ रहा हूँ अपनी गंदम में चक्कर लगाने के लिए, देखते हैं क्या सूरत हाल है गंदम की। और ये वाला घास भी हमने डाल दिया यहाँ पर, आज तीसरा दिन है। अभी अपनी गंदम चेक करते हैं क्या सूरत हाल बनी हुई है गंदम की। तैयार होने वाली है गंदम की फसल, तकरीबन 15 से 20 दिन लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, बस 20 दिन भी नहीं, फिर उसके बाद रेडी हो जाएगी। ये देखें ये वाला हमने घास लगाया हुआ है यहाँ, और मौसम आज का फिर से लग ऐसे रहा है कि बारिश हो ना हो लेकिन कल से मौसम फिर ठंडा हो जाएगा। जस्ट एक ऐसे आइडिया है, पक्का तो पता नहीं है लेकिन हो सकता है ठंडा मौसम, ठंडा मौसम तो होगा, बारिश हो सकती है। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया इफ्तार का, तो अभी चलते हैं। आज तो बहुत ही ज़्यादा रोज़ा लगा है यार, बहुत ज़्यादा। अभी इफ्तार करते हैं, शरबत वगैरह पीते हैं, खरबूजा वगैरह खाते हैं, थोड़ी सी एनर्जी लाते हैं अपने अंदर। आज बहुत ही बुरी हालत हो गई है। अभी इफ्तारी लग चुकी है हमारी, तरबूज, खजूर, एप्पल, खरबूजा, लाल शरबत। अभी इफ्तार करते हैं।